नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमए विद्या चैनल में। आपके साथ मैं हूं मुक्ता कांडियाल और आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव इंटरैक्शन सेशन। और आज का जो हमारा सत्र है उसमें हम बात करने वाले हैं संस्कृत विषय पर, और जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है बुद्धिर बलवती सदा। और इसे पढ़ाने के लिए जो एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करा देना चाहती हूँ। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा फ्रॉम DEL NCERT। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, धन्यवाद। और आज का हमारा ये सत्र संस्कृत का जो विषय है वो कक्षा 10 के छात्रों के लिए है। तो हमारा ये जो कार्यक्रम है पीएम विद्या के चैनल नंबर 10 पर लाइव प्रसारित हो रहा है। तो यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर हमें फ़ोन करके पूछिए। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559। आप चाहें तो ईमेल के द्वारा भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो कि है dth.class10@cit.nic.in। तो चलिए आज का हम ये सत्र शुरू करते हैं, सीधे सर की तरफ रुख करते हैं। सबसे पहले तो सर से जानते हैं, सर ये जो हमारा आज का टॉपिक है बुद्धिर बलवती सदा, तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके मतलब, इसके जो मीनिंग है उससे हम ये सत्र शुरू करते हैं। जरूर, किसी भी शब्द का अर्थ जब हम जान लेंगे तो सहज उसके बारे में बोल पाएंगे और कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि किसी भी पाठ का शीर्षक जो होता है वो उसकी पूरी कहानी के इर्द गिर्द घूमता है, या ऐसा कहें कि उस शीर्षक के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। तो बुद्धिर बलवती सदा, यह शीर्षक जो है यही अपने आप में ये कहता है कि बुद्धि जो है, मति या हमारी जो मेधा है, चिंतन करने का सामर्थ्य। आप कई बार सुनते होंगे कि तुरंत निर्णय ले लिया, या झट ऐसा विचार किया और निर्णय लिया गया। तो इमीडिएटली जो काम किए जाते हैं वो हम बुद्धि के आधार पर ही करते हैं। अगर बुद्धिमान नहीं है व्यक्ति तो निर्णय लेना कठिन हो पाता है। तो वही बुद्धि ही सदा बलवती, इस शब्द को अलग अगर कर दें कि बुद्धि ही सदा बलवती, जो बुद्धि होती है वह सदा बलवान होती है। तात्पर्य है कि अगर बुद्धि है तो बुद्धिमान व्यक्ति भी सदा बलवान होगा। हर जगह ये चीज देखा जाता है, आप किसी भी परीक्षा को क्यों पास करते हैं, इसीलिए ना, या जो परीक्षाएं रखी जाती हैं वो परीक्षा भी इसी उद्देश्य से की जाती है कि लक्षितस्य लक्षणम संभवति नवा इति विचारः। जो हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में ये जो कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है, वो पहुंच पा रहा है या नहीं, वो उसके लिए उपयुक्त है या नहीं, इस विचार के लिए ही परीक्षा की जाती। तो सारी चीजें बुद्धि से ही संबंधित होती हैं, उसी से जुड़ा हुआ ये पाठ है। कि एक हिंदी की कहानी है, कोई महिला अपने दो पुत्रों के साथ अपने मायके जा रही होती है, रास्ते में उसे बाघ मिल जाता है। अब जंगल में वो महिला क्या करे, तुरंत उसे निर्णय लेना था कि इस बाघ को हम कैसे भगाएं। फिर वो कुछ विचार करती है और किस प्रकार से वो बाघ को भगाती है और अपने पुत्रों की रक्षा करती है। आज के पाठ में यही हम भाषा सीखने के साथ साथ एक कहानी के माध्यम से प्रत्युत्पन्न उसका जो मतित्व है, उसकी जो बुद्धिमत्ता है, वो देखेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से उसने झटित निर्णय लिया और तुरंत निर्णय लेकर के अपनी रक्षा कर पाती है। तो बड़े रोचक प्रसंग में ये बात यहाँ कही गई है। हम स्लाइड में देखेंगे इसका जो पाठ्यांश है कि प्रस्तुत पाठः शुक सप्तति, एक ग्रंथ है, उस शुक सप्तति ही कथा ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। इस पाठ्यांश में अपने लघु पुत्रों के साथ जंगल में अपने पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती इस नाम की महिला का मति कौशल प्रदर्शित किया गया है। वह अपने सामने आए हुए सिंह को भी भय उत्पन्न कर देती है और सिंह को डर हो जाता है उसकी बातें सुनकर के और वह भाग जाता है। यह कथा नीति निपुण जो शुक और सारिका, आपने दो पक्षियों के बारे में सुना होगा, शुक तोता और सारिका नाम की पक्षी है, दो पक्षी हैं, इन दोनों की संवाद के रूप में शुक सप्तति ही पुस्तक में आई हुई है, वहां से इसका ग्रहण किया गया है। प्रस्तुत पाठ को हम देख रहे हैं, अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, अर्थात देउल नाम का, आख्या शब्द का अर्थ होता है नाम। तो देउलाख्यो ग्रामः अस्ति, देउल नाम का कोई गांव था। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहां पर राजसिंह नाम का कोई राजपुत्र अर्थात राजकुमार निवास करता था।
एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एकदा एक बार केनापि आवश्यक कार्येण किसी आवश्यक कार्य से उसकी तस्य भार्या अर्थात उसकी पत्नी उस राजकुमार की पत्नी बुद्धिमती उसका नाम था बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पुत्रद्वयेन उपेता अपने दोनों पुत्रों के साथ पितुर्गृहं प्रति चलिता अपने पिता के घर की तरफ चलती है जाती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग में गहन कानन था, कानन अर्थात जंगल, बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में वह सा अर्थात वह एकम व्याघ्रम ददर्श एक व्याघ्र देखती है। व्याघ्र अर्थात बाघ, वो बाघ देखती है। चित्र में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि वो बाघ का चित्र है और दो पुत्रों के साथ में महिला खड़ी है। अब वो बाघ को देख के घबराती है कि क्या करें। तुरंत उसने निर्णय लिया और कहती है सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धारष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। सा अर्थात वह बुद्धिमती व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा व्याघ्र को आते हुए देख करके, दृष्ट्वा देख करके धारष्ट्यात् धृष्टता पूर्वक ढिठाई से उसके पास कोई विकल्प नहीं था तो वो मन में कुछ सोचती है कि इससे बचने का उपाय क्या है। ऐसा सोचती है तो ढीठ पूर्वक ढिठाई से वो पुत्रौ दोनों पुत्रों को चपेटया प्रहृत्य दोनों बच्चों को एक एक झापड़ लगाती है, हाथ से चपेटा मारती है। प्रहृत्य अर्थात प्रहार करके जगाद अर्थात बोली, वो कहती है क्या कहती है कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहं कुरुतः। कथम क्यों एकैकशः, हम वो कहती है कि एक 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 बाघ को खाएंगे ऐसा क्यों कहती हो। एकैकशः व्याघ्र भक्षणाय कलहं कुरुतः, तुम दोनों मैं एक बाघ खाऊंगा एक बच्चा दूसरा मैं भी एक बाघ खाऊंगा ऐसा उसका अभिप्राय है कि एकैकशो व्याघ्रम भक्षणाय कथम कलहम कुरुतः। दोनों तुम लोग ऐसा झगड़ा क्यों कर रहे हो, विवाद क्यों कर रहे हो कि हम एक एक बाघ खाएंगे। आगे हम देखेंगे अयम एकस्तावत विभज्य भुज्यताम, यह एक है, अयम एक है, यह एक है, तावत विभज्य भुज्यताम इनका विभाग करके खा लो, इनको एक को ही बांट करके खा लेना, एक एक बाघ खाने की बात मत करो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, फिर जब दूसरा आएगा तो तुम लोग दूसरे बाघ को खा लेना, ऐसा निर्देश करती है। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित इयम् इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। इस प्रकार से वो व्याघ्र सुनता है कि ये तो हमारे खाने की बात कर रही है, इसके दोनों बच्चे मुझे खाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पहले तो व्याघ्र जो बाघ था वो खाने आया था इन लोगों को, लेकिन जब उसने बात सुनी कि ये दोनों हमें ही खाने की बात कर रहे हैं और वो भी वो कह रहा है बच्चे कह रहे हैं कि एक एक हम दोनों खाएंगे, मतलब दो बाघ चाहिए और मैं तो अकेला हूं, ये तो मार के खाई जाएंगे, ऐसा वो सोच के घबराता है। इति श्रुत्वा ऐसा सुन करके काचित इयम व्याघ्रमारी मन में कल्पना करता है कि शायद ये व्याघ्रमारी है अर्थात जो बाघ को मारने वाली व्याघ्रमारी, तो काचित इयम व्याघ्रमारी ये कोई व्याघ्रमारी है जो हमें मारने के लिए उद्यत हो रही है। तो ऐसा सोच करके वो वहां से अपनी जान लेकर के भागता है कि हमें भाग जाना चाहिए, यहां रुकना ठीक नहीं है, ऐसा व्याघ्र सोचता है। यहाँ पे नष्ट पद आया है, नष्ट अड़स अदर्शने धातु से शब्द बना है, यद्यपि नष्ट का अर्थ होता है मार देना या मरना, लेकिन नष्ट का अर्थ पलायित यहां ग्रहण किया गया और पलायित यह अर्थ भी होता है क्योंकि वो अदर्शन हो जाना वहां से भाग जाना वो दिखाई ना पड़ना तो डर के मारे वो वहां से हट जाता है। आगे हम स्लाइड में देखेंगे निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके
मुच्यते महतो भयात्। इसका सारांश कह रहे हैं कि निज बुद्ध्या विमुक्ता सा व्याघ्रमारी या सा भामिनी। भामिनी शब्द का प्रयोग सामान्यतः उन महिलाओं के लिए किया जाता है जो कोप वाली होती हैं, थोड़ा चेहरे पर गुस्से वाला भाव होता है, ऐसी महिला के लिए भामिनी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता, वह जो भामिनी थी अपने बुद्धि के प्रयोग के द्वारा व्याघ्र के भय से मुक्त हो जाती है। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। अन्य जो भी बुद्धिमान होते हैं समाज में संसार में, वो भी बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं अपने बुद्धि का प्रयोग करके। ये सारांश में एक श्लोक सूक्ति के रूप में कहा गया है। आगे कहते हैं भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा। कहानी जब आगे बढ़ती है इतने पर ही वो जो बाघ था वो भाग जाता है, इतने पे कहानी समाप्त नहीं होती। रास्ते में उसे कोई मिलता है। समाज में आप देखें कुछ रायचंद लोग होते हैं, वो रायचंदों का काम होता है सलाह देना। तो व्याघ्र जब जा रहा था तो बाघ को देख करके श्रीगाल रास्ते में मिल जाता है, जिसे हम लोमड़ी कहते हैं, श्रीगाल सियार हिंदी भाषा में बोलते हैं, वो मिलता है, वो उसे देखता है। तो आगे हम स्लाइड में देखेंगे वो सियार कहता क्या है, उसे सलाह देता है कि तुम्हें कैसे भागे जा रहे हो, इतने परेशान क्यों लग रहे हो, तो ऐसी वो सलाह देता है, स्लाइड में हम देखेंगे। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रीगालः हसन् आह। भय से आकुल, चेहरे पर बिल्कुल डरा हुआ भाव देख करके, व्याघ्रम दृष्ट्वा ऐसे व्याघ्र को देख करके, कश्चित् धूर्तः श्रीगालः, एक धूर्त श्रीगाल है, ओ, उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है, वो हंसते हुए कहा, हसन आह अर्थात हंसते हुए कहता है, भवान कुतः भयात् पलायितः, आप कहां से डर करके भागे जा रहे हैं, किससे आपको डर हुआ है। व्याघ्र बोलता है, व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक, अरे जम्बुक तुम यहां से भागो भागो, तुम अपि कंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी ऐसी जगह भाग जाओ, गूढ़ प्रदेश अर्थात गुप्त प्रदेश, जहां छुपा जा सके, ऐसी जगह पर जाकर के छुप जाओ, गोपनीय जगह पे भाग जाओ। क्यों? यतो व्याघ्रमारी इति शास्त्रे श्रूयते यया अहम हन्तुम आरब्धः। जो शास्त्र में, कहानियों में या अनेक घटनाओं में व्याघ्रमारी नाम सुना गया है, वो व्याघ्रमारी मुझे मारने के लिए उद्यत हुई थी, वो मुझे मारना चाह रही थी। परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद अग्रतः। फिर भी गृहीत कर जीवितः, गृहीतम करे जीवितम यह सह, गृहीत कर हाथ में अपने प्राणों को लेकर के मैं भाग के आ रहा हूं। वो बाघ ऐसा कहता है कि समझो मैं अपने प्राण बचा करके भाग आया, तदग्रतः उसके आगे से अपनी जान बचा के भाग आया, नहीं तो वो मुझे मार देता, ऐसा व्याघ्र कहता है कि व्याघ्र मारी मुझे मिली थी और वो मुझे मारना चाह रही थी, लेकिन मैं तो अपनी जान बचा के भाग आया, तुम भी भागो। श्रीगाल कहता है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, तुमने तो बड़ा कौतूहल हमारे सामने बताया है, ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। यन मानुषात अपि विभेषी, क्या तुम मनुष्य से भी डरती हो, तुम्हें मनुष्य से भी भय लगता है। व्याघ्र कहता है, प्रत्यक्षमेव मया सा आत्मपुत्रौ एकैकशो माम अत्तुम कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्षमेव, मैं उसको अपनी आंखों से देख करके आ रहा हूं, सा माने वह आत्मपुत्रौ एकैकशो माम अत्तुम, अत्तुम का अर्थ खाने के लिए, एकैकशः मतलब एक एक, वो हमको अपने पुत्रों के लिए, दोनों पुत्रों के लिए झगड़ा करते हुए, चपेटया प्रहरंती, वो अपने बच्चों को हाथ से प्रहार कर रही थी, उसके बच्चे मुझे खाने के लिए बोल रहे थे कि हम एक एक शेर बाघ खाएंगे, और ऐसा कहने पे वो अपने बच्चों को मार रही थी, ऐसा हम देख करके आ रहे हैं। ऐसा वो बाघ जो है जम्बुक कोशियार को बोलता है।
फिर जो सियार था वो कहता है स्वामिन यत्रास्ते साधुरता तत्र गम्यताम, जहां पर वह है, जहां पर वह है वह धूर्ता माने वह महिला जो व्याघ्रमारी यहां कही गई है, उस व्याघ्रमारी को उसके पास मुझे ले चलो क्योंकि मैं उसका इलाज करूंगा, ऐसा वह सियार को समझाता है। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपीक्षते यदि तर्हि त्वया अहम् हन्तव्यः। जम्बुक बोलता है, जम्बुक अर्थात वो सियार बाघ से, कि तव पुनः तत्र गतस्य सम्मुखम अपीक्षते, तुम वहां चलो मेरे साथ और अगर वहां पर वह पुनः दिखाई पड़ेगा और वह तुमको कुछ कर पाया, तुम्हें कोई हानि पहुंचाता है तो तर्हि त्वया अहम् हन्तव्यः, तो तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाऊंगा, तुम मुझे मार देना, ऐसा वह जम्बुक को जम्बुक उसे आश्वासन देता है। व्याघ्र बोलता है श्रीगाल यदि त्वं माम मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि अवेला स्यात्। अरे श्रीगाल यदि तुम मुझे मुक्त्वा छोड़ करके आओगे, ठीक है, यासि तदा वेला अपि अवेला स्यात्, उस समय जो अच्छा समय है ना वह समय भी खराब हो जाएगा, अर्थात वो अच्छा समय नहीं रहेगा, समझो तुम मुझे वहां छोड़ करके आ जाओगे और व्याघ्रमारी मुझे मार देगी तो अभी तो हमारा जीवन है वो जीवन संकट में हो जाएगा, ऐसा वह अब समस्या व्यक्त करता है व्याघ्र। पुनः जम्बुक कहता है यदि एवं तरही माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, अगर तुम्हें डर लगता है तो एक काम कर लो, मुझ पर तुम्हें विश्वास नहीं है तो एक रस्सी से मुझे अपने गले में बांध लो, मैं भागूंगा नहीं वहां से। तो यदि एवं तरही माम निज गले बद्ध्वा, यदि ऐसी बात है तो मुझे अपने गले में बांध करके सत्वरम चल, जल्द ही चलो मेरे साथ, तुम चल सकते हो, सत्वरम अर्थात शीघ्र ही चल सकते हो। सव्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, वह जो व्याघ्र था उसी प्रकार करता है और कानन को जाता है, पुनः जंगल को चला जाता है। जब श्रीगाल उसे गले में बांध लेता, श्रीगाल को गले में बांध लेता है बाघ, तो उसे विश्वास हो जाता है कि ये मुझे छोड़ करके भागेगा नहीं, और ऐसा विश्वास होने के बाद ही बाघ श्रीगाल को लेकर के जाएगा। आप चित्र में देख रहे होंगे कि श्रीगाल रस्सी से बंधा हुआ है और वो रस्सी बाघ के गले से बंधी हुई है। आगे कहते हैं श्रीगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। जब बाघ और सियार दोनों ही साथ में वहां जाते हैं, दूर से वह देखती है श्रीगालेन सहितम पुनः आयांतम, श्रीगाल के साथ में वह बाघ को फिर से आते हुए देखती है, तो दूरात दृष्ट्वा दूर से ही देखती है तो बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती सोचती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अभी तो वे डर के भाग गया था और डर के भागने के बाद पुनः इसमें हिम्मत कहां से आ गई जो मेरे पास आ गया। उसने तुरंत अपने बुद्धि का प्रयोग किया, सोचती है जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम, अर्थात जम्बुकेन कृतः उत्साह, जम्बुक कृतोत्साह तस्मात जम्बुक कृतोत्साहात, उस साथ में बंधा हुआ जो श्रीगाल आ रहा है निश्चय ही इसने ही इसको उत्साह दिया होगा, इसको समझाया होगा, इसलिए यह पुनः आ रहा है, ऐसा उसने बुद्धि का अपना प्रयोग किया और तुरंत सतर्क होती सोचती है अब इन दोनों को कैसे भगा रहा है, अगर इन दोनों को हम भगा नहीं पाए तो व्याघ्र हमें जरूर खा लेगा। तो ऐसा सोच करके जम्बुक कृतोत्साहात अयम व्याघ्र पुनः आयाति, फिर से आ गया है, व्याघ्रात कथम मुच्यताम, व्याघ्र से हम मुक्ति कैसे पाए, ऐसा वह सोचती है। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिपंती
अंगुल्या तर्जन्या उवाच, अंगुल्या उवाच तर्जयंती उवाच, किंतु वह घबराती नहीं है और बिना घबराए ही वह तर्जन्या अपनी तर्जनी उंगली, ये आप देख रहे हैं, इस तर्जनी उंगली के द्वारा दूर से ही चिल्लाती है। तर्जयंती तर्जन करना, चिल्लाना, उसको डांटती हुई कि अरे अभी तो हमने तुमको भगाया था, तुम आ जाती हो। पुनः व्याघ्र को कहता है, कहती है कि तुम पुनः कैसे आ गए। ऐसा वह तर्जन करती है, खूब तेज से चित्कार करती है, और चित्कार करती हुई बुद्धिमती क्या कहती है हम श्लोक के माध्यम से पढ़ेंगे। स्लाइड में ये श्लोक देख रहे हैं आप, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वास्याद्यैकमानीय कथम यासी वदाधुना। अरे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, हमको तुमने वचन दिया था कि हम तुम्हें तीन बाघ ला करके देंगे। रे रे धूर्त त्वया दत्तम, किम दत्तम, तुमने पहले, तुम्हारे द्वारा पहले व्याघ्र त्रयम पुरा दत्तम, पुरा अर्थात पहले तुम्हारे द्वारा तीन बाघ दिए गए थे, और विश्वास्य तुम विश्वास दिला करके गए थे, तुमने हमको कहा था अद्य एकम आनीय कथम यासी अधुना वद, अधुना अर्थात अभी, वद बोलो, अधुना वद अभी बोलो, क्या बोलो कि तीन दे करके पहले गए थे और आज एक ही व्याघ्र लेकर के क्यों आ रहे हो। ऐसा जब बाघ सुनता है तो उसे लगा कि लगता है ये श्रृगाल जो है इससे मिला हुआ है, ये इसी का आदमी है, ये जंगल में व्याघ्र ढूंढता है और उन बाघों को पकड़ पकड़ के इसके पास लाता है। ऐसा सुनने के बाद उसका मन तुरंत बदल गया कि ओह मैं तो इस सियार के चक्कर में पड़ के इस श्रृगाल के द्वारा मारा जाऊंगा आज, और वो पुनः घबराता है। फिर अगले श्लोक में क्या कहते हैं वो उसकी बातों में नहीं आता। ऐसा जब सुनता है तो इत्युक्त्वा धाविता तोरणम व्याघ्रमारी भयंकरा, ऐसा कह के इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा यड़ संधि, तो यहां पे इत्युक्त्वा अर्थात ऐसा कह के, पीछे जो रे रे धूर्त त्वया दत्तम व्याघ्रत्रयम पुरा, तीन व्याघ्र दिए थे और एक ही व्याघ्र लेकर के आए हो, कहां जा रहे हो, कुत्र यासी, कहां जा रहे हो, ऐसा खूब तर्जन के द्वारा और गुस्सा होकर के जब उंगली दिखाती हुई वह दौड़ती है, धावंती आपने पढ़ा वहां पे, जम्बू को आक्षेप करती हुई जब बोलती है तो धाविता दौड़ती है जब, तो और दौड़ती कैसे है तो तूर्णम, तूर्णम अर्थात शीघ्रम भयंकरा व्याघ्रमारी, वह भयंकर दिखने वाली गुस्से वाली व्याघ्रमारी महिला जब दिखाई पड़ती है तो वहां पर व्याघ्रोपि सहसा नष्ट, जो बाघ था वो घबरा जाता है और तुरंत भाग चलता है, उसको लेकर के भागता है वहां से। उसे चिंता नहीं रहती है कि अब क्या होगा, उसे अपने प्राणों की चिंता हो गई कि अब तो मैं मारा जाऊंगा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, और वह घिसटता हुआ जो बाघ था, बाघ के गले में फंसा हुआ श्रृगाल था, वह इधर उधर पत्थरों से टकराता है, क्योंकि अब तो जो बाघ है उसे अपनी चिंता लग गई कि मेरी जान कैसे बचेगी, और श्रृगाल इधर उधर पत्थरों में टकराता है और मर जाता है। और इस प्रकार से वह व्याघ्रमारी प्रत्युत्पन्न मती बुद्धिमती जो महिला थी वो अपने बच्चों की भी जान बचा लेती है और उस व्याघ्र के भय से मुक्त हो जाती है। इसलिए अंतिम पंक्ति में बहुत अच्छा वाक्यांश लिखा हुआ है, स्लाइड में हमने जो पढ़ा उसमें, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, यहां तन्वी नाम आया है, तन्वी अर्थात तन संबोधन है यहां पे जो किसी एक के लिए, कि बुद्धिर बलवती सदा, जो बुद्धि होती है वह सदा ही बलवान होती है, इसलिए हर वक्त हम लोगों को कोई भी परिस्थिति हो उसमें बिना घबराए, बिना निरर्थक इधर उधर परेशान हुए सत असत विवेक के द्वारा चिंतन करना चाहिए। तो हमें इस
पाठ्यांश से यह शिक्षा मिलती है कि धैर्यपूर्वक हर परिस्थिति का हम सामना करें। तो आज के पाठ में हम इतना ही पढ़ेंगे, शेष पाठ्यांश के साथ हम पुनः अगले एपिसोड में उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।